हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने उन प्लांट से मिलवाती हूँ जो मैंने अपने घर के वेरेंडा में लगाए हुए हैं। ये इरिका पाम है मेरा, ये लेडी पाम है, ये मैंने अपने यहाँ वाइट कलर के पॉट में दो पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने इंडोर प्लांट्स ज़्यादा लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट मेरे यहाँ पे मैंने लगाए हैं, लेकिन वो थोड़े ही लगाए मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे इस एरिए में धूप थोड़ी लेट में आती है और फ्लावरिंग प्लांट को धूप ज़्यादा चाहिए। ये पीस लिली का पौधा है, ये जीजी प्लांट है, ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है, ये मैं लास्ट ईयर ही नर्सरी से लेके आई थी, इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है। इसके पत्ते कितने सारे कलर में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। ये मैंने अपने यहाँ दो पॉट में लगा रखा है। ये मेरा ये रोहियो का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ ऊपर से डार्क ग्रीन कलर की होती है और नीचे से ये पर्पल कलर की होती है। ये हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो और भी खूबसूरत लगता है। ये मैंने बहुत ही छोटे पॉट में लगाया हुआ है कि ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, इसको आसानी से प्रोपोगेट भी किया जा सकता है। ये फोनिक्स पाम का प्लांट है, ये माइक्रो फाइकस माइक्रो कार्पा है, इसके मैंने यहाँ पे दो प्लांट लगा रखे हैं, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। मैंने इसको छोटे ही पॉट में लगाया है। ये मेरा ऑरेलिया का प्लांट है, ये डॉग वैरायटी का है, इसका कलर ग्रीनरी ऐड करना हो तो बहुत ही अच्छा है और इसको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए। इसकी मुझे अभी प्रूनिंग करनी है, ये थोड़ा स्ट्रेस में आ रखा है प्लांट मेरा, मैंने इसको ज़्यादा तेज धूप में छोड़ दिया था और इसका कलर आप देख सकते हैं इन दोनों के कलर में कितना डिफरेंस है। मैं ज़्यादा डिटेल अभी किसी भी प्लांट पे नहीं दे रही हूँ। ये मेरा फोनिक्स फॉर्म है, ये मेरा दूसरा फोनिक्स फॉर्म है, मैंने इसको इतने बड़े पॉट में लगाया हुआ है। ये मेरा कनेर का प्लांट है, इसमें डार्क पिंक कलर के फ्लावर आते हैं डबल लेयरिंग में, और जब ये पूरा प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होती है तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ड्रेसिना के मैंने दो प्लांट लगाए हुए हैं, ये आंवले का प्लांट है मेरा, ये कॉस्मोस के प्लांट है, मैं नर्सरी से लेके आई थी, यहाँ पे मैंने उसके कुछ प्लांट लगाए हैं। ये मेरा समी का प्लांट है, ये बनाना प्लांट, ये अरिका पाम है, ये चाइनीज क्रोटोन का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ ऊपर से वेरीगेटेड ग्रीन कलर की होती है और नीचे से पत्तियों का कलर डार्क मैरून होता है, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। आप इसको अगर बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये और भी खूबसूरत अच्छे से ग्रो करेगा और भी खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैंने अभी इसको छोटे ही पॉट में लगाया है। ये जैस्मिन का प्लांट है मेरा, जिसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, ये वेरीगेटेड चांदनी का फ्लावर है, चांदनी का प्लांट है। ये बरगद का प्लांट मैंने लगाया हुआ है, इसका मैं बोनसाई बनाऊंगी जब इसका ट्रंक थोड़ा और मोटा हो जाएगा तब। ये कॉस्मोस है, ये एस्पेरेगस फर्न का प्लांट है, इसके भी मैंने दो पौधे लगाए हैं, ये चाइनीज वेरीगेटेड सिल्वर ग्रास है, इसके भी दो प्लांट है मेरे। ये मिनी मधुकामनी का प्लांट है, इसको मोरैया का प्लांट भी बोलते हैं, इसमें मेरे ये छोटे छोटे सीड बन गए हैं, मैं देखती हूँ इनसे मैं नए प्लांट बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे यहाँ इस धूप अभी 11:30 बजे इस एरिया में धूप आती है, अब धूप आनी शुरू हो चुकी है।
ये ग्रीन येलो कलर्स की पत्तियों वाला क्रोटोन का प्लांट, ये मैंने एक सेरेमिक पॉट में ड्रेसिना का प्लांट लगाया हुआ है। ये सब प्लांट्स को मैं इंडोर भी रखती रहती हूँ। ये रबर प्लांट है मेरे दो, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। इसके पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं, कितना ज़्यादा शाइन करते हैं ये पत्ते। इसमें और नई पत्तियाँ आ रही है मेरे। ये मनी प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है, इसको मैंने मॉस स्टिक लगा दिया है सपोर्ट के लिए। उधर मेरे थोड़े से ये एरिका पाम और एक क्रोटोन का प्लांट है। मैंने हैंगिंग बास्केट में पेटूनिया के प्लांट लगाए हुए हैं जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इसमें अलग अलग कलर के प्लांट लगाए हैं। इसमें एक प्लांट मेरी मिस्टेक से ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया। मैंने प्लांट पॉट की मिट्टी चेक नहीं की और उसमें पानी डाल दिया, तो अब ये प्लांट मेरा ख़राब हो चुका है, मैं इसको निकाल दूँगी। और बाकी मेरे सभी प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे मैंने छोटे छोटे पॉट में सेंसेवेरिया के और मून कैक्टस के प्लांट लगा रखे हैं। ये इसकी डॉ वेराइटी है, ये मैंने बहुत छोटे पॉट में लगाया हुआ है। अभी मैं आपसे इन प्लांट की केयर से रिलेटेड चीज़ें डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।